way. आज के सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री का ये एपिसोड एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसने 60 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया था और हैरानगी की बात यह है कि उस देश या कंट्री के तमाम कानून नाफिस करने वाले इदारे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये सीरियल किलर मामूली से रंजिश की बिना पर भी लोगों को मौत के घाट उतारने से हिचकिचाता नहीं है। इनकी कहानी किसी नावल या इंडियन सुपरहिट फिल्म की कहानी से कुछ कम नहीं है। जैसे आमतौर पर नावल्स की कहानियों में होता है कि एक मामूली से गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला बच्चा बड़ा होकर हीरो बनता है, सीरियल किलर की कहानी भी कुछ इसी तरह की ही है। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये मामूली से गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला लड़का बड़ा होकर हीरो नहीं बल्कि एक सीरियल किलर विलन बन जाता है। ये कहानी हमारी तेज दौड़ती जिंदगी और इनसे भी तेजी के साथ बढ़ती रोजमर्रा की जरूरतों की है, क्योंकि इस भागती दौड़ती जिंदगी से वो दिन आप कोसों मील दूर रह गए हैं जब अपने बच्चे की तबीयत और बातों से इनकी माँ जान जाया करती थी कि इनका बच्चा किन की संगत में जा रहा है, और अपने बच्चे के भटकने से पहले ही इन्हें एहसास दिलाती थी और बुरी संगत से बचाने के लिए इन्हें बार बार टोकती। बच्चा अगर लाख दलीलें भी दे तो तब भी इनकी माँ को पता चल जाता था कि कुछ गलत हो रहा है, जिसे इनका बच्चा मुख्तलिफ दलीलों के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कम आमदनी वाले घरों में भावनाओं की जगह जिंदगी की पटरी पर तेजी के साथ बढ़ती जरूरतों ने ले लिया है। इन माओं के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे का हाल भी ठीक से जान सके, वो तो बस इनकी जरूरतों को पूरा करने के पीछे दौड़ती रहती हैं, और इस दौड़ के दरमियान इन्हें जब एहसास होता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब एहसास होता है कि हम एक छत के नीचे रहते जरूर हैं मगर जीते अकेले हैं। अकेले जीने की यही खानदानों में जुर्म के बीच होती है, जैसा कि आज के इस सीरियल किलर की जिंदगी में। आज के सीरियल किलर का ताल्लुक बांग्लादेश से है। सीरियल किलर अरशद सिकदर ने बांग्लादेश के एक गरीब खानदान में आंखें खोली। इनकी पैदाइश से जवानी तक सीरियल किलर अरशद सिकदर ने अपने घर में हमेशा जरूरतों के अनबार में पैसों की कड़की देखी। बांग्लादेशी सीरियल किलर अरशद ने अपनी जरूरतों को पूरा होने की उम्मीद को मरते देकर ये फैसला किया कि वो इन्हें पूरा करेगा, और इन्हीं जरूरतों को पूरा करते करते एक मामूली से लड़के से खुलना के इलाके में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना। इब्तदाई तौर पर बांग्लादेशी सीरियल किलर अरशद सिकदर ने अपनी दौलत की हवास को पूरा करने के लिए जुर्म की दुनिया से जाहिरी तौर पर आसानी से दौलत जमा करनी शुरू की, और इस बीच इनके रास्ते में आए हर इंसान को बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार देता था। अपने बनाए इस डर और खौफ को इस्तेमाल करके सीरियल किलर अरशद सिकदर ने कई पॉलिटिकल पार्टीज को भी ज्वाइन कर लिया और अपने एरिया में कॉरपोरेट काउंसिल का मेंबर बनने में कामयाब हुए। इस मेंबरशिप के बाद सीरियल किलर अरशद सिकदर को और आजादी मिल गई और अपने जराइम की फेरिस को अरशद सिकदर ने और तवील कर दी। खोलना के एरिया में जो लड़की इसे पसंद आती वो इनका रेप करते और कई लड़कियों के साथ इसने जबरदस्ती शादी कर ली। इनकी जिंदगी के आखिरी वक्त तक इनकी 6 बीवियां थी। इनके इस खौफ और डर की वजह से बांग्लादेश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनके हाँ में हाँ मिलाकर चलती थी, मगर खालिद हुसैन नामी एक पॉलिटिकल वर्कर की इनके हाथों मौत ने इनको फांसी घाट पे लाकर खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी सीरियल किलर अरशद सिकदर ने खालिद हुसैन को एक हाईवे के कंट्रैक्ट के डिस्प्यूट की वजह से कत्ल किया था, जिसके कत्ल के शुबे में इन्हें पहली दफा गिरफ्तार किया गया, और इस गिरफ्तारी के बाद इनकी जराइम की न खत्म होने वाली एक दास्तान खुल गई। बांग्लादेशी कोर्ट में सीरियल किलर अरशद सिकदर ने ये कबूल किया कि इन्होंने तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। वो अपने विक्टिम्स को कत्ल करने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े करता था और एक नहर में फेंक देता था। कई लोगों के कत्ल के जुर्म में इन्हें सजाए मौत सुना दी गई और 2004 में खुलना के जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।